हेलो क्लस टू, कैसे हो आप सब लोग। हम फिर से आए हैं, देखो समानार्थी शब्द के साथ। पिछले क्लास में हमने विलोम शब्द किया था, आज हम समानार्थी शब्द करेंगे। समान मतलब एक जैसा, समान मतलब एक जैसा, समानार्थी मतलब एक जैसे अर्थ वाले शब्द। एक ही शब्द के दो तीन नाम होते हैं, एक ही चीज के दो तीन नाम होते हैं, उसको समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। आप क्लस थ्री में जाओगे तो ये आपको पर्यायवाची शब्द के रूप में मिलेगा। अभी क्लस टू में हो तो ये आपको समानार्थी शब्द के रूप में आप सीख रहे हो। एक ही शब्द उसका कई नाम है, जैसे जल, पानी, पेय, दूध, दुग्ध, पेय, घर, गृह, आलय, वायु, पवन, हवा। मैं आप कॉपी लेकर बैठिए, मैं लिखवाऊंगी बोर्ड में, आप उसको कॉपी में लिखोगे और अच्छी तरह से याद करोगे। जल को नीर भी कहते हैं, ठीक है, जल को नीर भी कहते हैं। देखिए, जल, पानी, नीर, दूध, दुग्ध, पेय, घर, गृह, आलय, वायु, हवा, पवन। ठीक है, एक बार मेरे साथ फिर से दोहराइए। जल, पानी, नीर, दूध, दुग्ध, पेय, घर, गृह, आलय, वायु, हवा, पवन। बच्चों, इसको आप कॉपी में लिख लीजिए और यही चीज आप होमवर्क के रूप में रिपीट करोगे, लेकिन लिखने से पहले अच्छी तरह से याद करोगे, उसके बाद इसको लिखोगे। धन्यवाद।